शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये तो बहुत कीमती है। हाँ, कीमती तो है, पर तुमसे ज्यादा नहीं। इसकी कीमत वसूल करनी है। हाँ बिल्कुल। अरे पंडित जी, राम राम। अरे तो बड़ी अच्छी बात है, क्या लड़का अकेला है? अरे कोई बात नहीं पंडित जी, नौकरी तो करता है ना। आप बात आगे बढ़ाइए, आप लड़के की फोटो भेज दीजिए, मैं शिखा की फोटो भेज देता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, शुक्रिया पंडित जी, चलिए। तुम ना ऐसे दिन में आते, मुझे बहुत डर लगता है, कहीं हम पकड़े ना जाए। कम से कम फोन करके आया करो। अगर शिखा ने हमें देख लिया और धीरज को बता दिया, वो तो मुझे घर से निकाल देंगे। काहे डरती हो इतना, कोई नहीं देखेगा। और अगर देख भी लिया ना, तो ये देखे हो, ये खाली शौक के लिए तो रखे नहीं हम, दो खून किए हैं, एक और सही। तुम अपनी बदमाशी और ये बंदूक ना बाहर छोड़ के आया करो। और कहना क्या चाहते हो तुम, हाँ कि तुम धीरज को मार दोगे, हाँ? और उसके बाद क्या, शादी करोगे मुझसे, अपनी बीवी को छोड़ दोगे? नहीं ना, तो मुझे भी ना बेघर होने का कोई शौक नहीं है। अच्छा ठीक है, आज के बाद जब भी आएंगे पहले फोन करके आएंगे। जी भैया। हाँ जी, मैं घर पहुंच गई हूँ। हाँ भेजती हूँ आपको फोटो। जी रखती हूँ। अरे छोड़ो, शिखा आ जाएगी। शिखा नहीं, अभी मुझ पे ध्यान दो। अरे वो ना नहीं, नहीं। सुनो ना, शिखा आ जाएगी। शिखा नहीं आएगी, मुझ पे ध्यान दो। भाभी कौन है ये आदमी और यहाँ क्या कर रहा है? देखो शिखा, ऐसा कुछ भी नहीं जैसे तुम सोच रही हो। मैं बताती हूँ ना तुम्हें। क्या समझाएंगी आप मुझे, क्या समझाएंगी आप मुझे? मैंने सब कुछ देख लिया है। मैं भैया को अभी बताती हूँ सब। तुमने क्या कर दिया? डरो मत, खाली बेहोश हुई है। और जब होश में आएगी तब? हाँ तब क्या करेंगे? इसने अगर धीरज को बता दिया ना तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी, वो मुझे घर से निकाल देगा, मैं कहीं की नहीं बचूंगी। तो एक काम करते हैं, इसे मार देते हैं। नहीं नहीं, मारना नहीं है, हम कुछ और सोचते हैं। फिर तो बस एक ही रास्ता है। क्या? अच्छे से बनाना वीडियो, एकदम बिंदास। तुम लोगों ने मेरे साथ ये तो एक काम करते हैं, इसको मार के यहीं गाड़ देते हैं।
किसी को पता नहीं चलेगा। पर धीरज को क्या कहेंगे? बोल देना कि अपने यार के साथ भाग गई। नहीं, नहीं प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। अली तो छोड़ दें। छोड़ सकते हैं अगर ये वादा करे कि ये हमारी बातें किसी को नहीं बताएगी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, पर प्लीज मुझे मत मारो। अगर तूने किसी से मुंह खोला तो पहले तो ये वीडियो जाएगी इंटरनेट पर, समझी? और बाद में तेरे भाई का कत्ल कर देंगे हम और तुम्हारी जिंदगी बना देंगे नरक, समझी? तो अपना मुंह बंद रखना। भी मेरे बारे में जानती नहीं है तू, और अगर जानना चाहती है तो किसी भी थाने में जाके पूछ लेना, सब बता देंगे। दो मर्डर किए हैं, बाकी नीतू बता देंगे, समझे ना? थोड़ी से समझ गई है, वो कुछ नहीं बताएगी। देख जयंत सच में बहुत खतरनाक आदमी है, वो तुझे जान से मार देगा, तुझसे पंगा मत लेना, समझी? अरे तुम चिंता मत करो, वो इतना डर गई है ना कि किसी को कुछ नहीं बताएगी। हाँ बाबा मैं कह रही हूं ना। ओके बाय। राजू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कितनी बार कहा कि बिना फोन के मत आया करो। तुम्हारे चक्कर में पाइप से चढ़कर आया हूँ, फोन तो मिला रहा था तो मुझे लगा था तुम छुट्टी होगी किसी के साथ, इसे सीधे चला आया। और वैसे कुछ लाया तुम्हारे लिए। इतने सुंदर है, लाओ। नहीं मैं बनाऊंगा। शिखा, नीतू, भैया भैया आप आ गए। शिखा तू रो क्यों रही है, क्या हुआ? भैया वो बाप भाभी भाभी क्या भाभी के साथ झगड़ा हुआ क्या? नहीं भैया वो अरे वो... आप कब आए? नीतू ये रो क्यों रही है, क्या हो गया? नीतू मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, रो क्यों रही है? बता दे ना। हाँ बता दे, इतना समझाया मैंने तुझे लेकिन तुझे समझ में नहीं आया। अरे भैया की इज्जत के बारे में सोच, इस घर के बारे में सोच, लेकिन नहीं। एक काम कर तू बता ही दे। अगर तूने सिर्फ मुंह खोला तो पहले तो ये वीडियो जाएगी इंटरनेट पर और बाद में तेरे भाई का कत्ल कर देंगे। अरे क्या चल रहा है ये सब? शिखा क्या हुआ है बताओ, डरो मत। नहीं भैया कुछ भी तो नहीं। देखो नीतू मुझे सच सच बताओ क्या हुआ है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप तो हमेशा मुझे आके दिखाते रहते हैं, आपको सच सुनना है ना? हाँ तो सुनिए, शिखा का एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। क्या? हाँ कल जब मैं मार्केट गई थी तो इसने एक लड़के को घर बुलाया था, वो तो मैं जल्दी घर आ गई और मैंने रंगे हाथों इन दोनों को पकड़ लिया। उस लड़के की ना मैंने खूब क्लास लगाई
गुस्से में मैंने इसे दो थप्पड़ मार दिए, तब से बस नाराज है। उसकी इतनी हिम्मत? गलती मेरी है, मैंने ही इसे सर पे चढ़ा रखा है। कौन है वो लड़का, तुम जानती हो उसे? नहीं मैं नहीं जानती। मैं इस पूछता हूँ। अरे रहने दीजिए, मैंने उसे ऑलरेडी डांट दिया है, अब आप भी डांटेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब पहली गलती है छोड़ दीजिए, अब की बार कोई गलती की ना इसने तो मैं आपको पक्का बताऊंगी। अब वैसे आप अचानक कैसे आ गए, शिखा ने बुलाया था क्या? नहीं, मैंने एक लड़का देखा है शिखा के लिए, कल वो शिखा को देखने यहाँ आ रहा है, इसलिए अचानक से आना पड़ा। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब वो करता क्या है? सरकारी नौकरी करता है। सरकारी नौकरी? उसकी कोई फैमिली नहीं है, अकेला है बेचारा। देखो ये है उसकी फोटो। और तुम भी शिखा से बोल दो कल कोई नाटक नहीं करना है उसे, हैं? मैं तो अब तक उसे नादान समझता था, बताओ लड़के को घर बुला रही है। चलो मैं मुंह हाथ धो लेता हूँ। बहुत चलाक बन रही थी तू, हाँ? अपने भैया को सब बताएगी, इस परिवार को बर्बाद करना चाहती है तू, अपने भाई के मौत की वजह बनेगी तू, बोल, बोल तू, जयंत को भी बुलाऊं, बोल। नहीं नहीं भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, I'm so sorry, मुझसे गलती होगी भाभी। आंटा ये हरकत नहीं होनी चाहिए, समझी? वरना मैं तेरे भैया को सब कुछ खुद बता दूंगी। इसके बाद जयंत जो तुम भाई बहन का हाल करेगा ना, इसकी जिम्मेदार तो खुद होगी, इसलिए अपनी जुबान बंद रखना। और हाँ, कल को लड़का देखने आने वाला तुझे, उसके सामने मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए, समझी? क्या हुआ, खाना खा लिया उसने? हाँ खा लिया। धीरज मत करो, सोने दो मुझे। अरे इतने दिनों बाद पति घर में आया है और तुम्हें सोना है, नींद आ रही है तुम्हें? लगता है तुम्हारे अंदर का रोमांस मर गया है। अब पति इतने दिनों बाद घर आएगा तो रोमांस तो खत्म होगा ही ना। तो ठीक है, आज तुम्हारे अंदर का रोमांस जगा देते हैं। बस भैया अभी एक बिजनेस सेटअप किया है, उसी के बारे में मिला भी एक, देखो अपने भी। अरे लो चाय ठंडी हो जाएगी। अरुण जी, आपको हमारी शिखा कैसी लगी? जी मैंने तो इनकी फोटो देख के ही इन्हें पसंद कर लिया था। एक बार आप इनसे भी पूछ लीजिए कि मैंने पसंद होगी नहीं। एक बार देख तो ले। अरे शिखा ने भी तुम्हारी फोटो देख के पहली बार ही पसंद कर लिया था तुम्हें। आपको कुछ इनसे बात करनी है तो कर लीजिए। इसमें पूछने वाली क्या बात है, वैसे भी पंडित जी ने आपके और आपके परिवार के बारे में इतना अच्छा बताया है कि अब पूछने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। मुझे मुझे आपकी बहन पसंद है। अरे हम मैं आता हूँ भैया। We'll be right back.
नीतू नीतू अरे रिश्ता पक्का हो गया है भाई, भूमि टकराओ। थैंक यू। अब मैं जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी कराना चाहता हूँ। हाँ भैया, बस मैं भी पंडित जी से बात करता हूँ। आज ही बात कर लेते पंडित जी से। जी अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। चलो मैं भी चलता हूँ, मुझे भी ट्रांसपोर्ट में कुछ काम। हेलो, कौन? जी मैं अरुण। हाँ मैं, नहीं नहीं वो इसीलिए कॉल किया था कि ये पूछना था भैया अब तक घर पहुँचे कि नहीं। नहीं, लेकिन अगर आपको ये पूछना था तो आप भैया के नंबर पर भी फ़ोन कर सकते थे ना। तो वो दरअसल मुझे आपसे ही बात करनी थी। नो प्रॉब्लम, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं रखता हूँ कॉल। अरे नहीं नहीं हो, पर आपको मेरा नंबर कैसे मिला? नंबर आपका? अरे आपके भैया से लिया था। वो काफी दिनों से आपसे बात करने का मन कर रहा था तो ले लिया। जी जल्दी आ। क्या हो, इतना लेट क्यों किया? अरे वो एक जरूरी काम से गया था, लेट हो गया। अरे बैठो ना। क्यों, क्या हुआ? वैसे भैया घर पे है क्या? नहीं वो बाहर गए काम से। ठीक है। ये बता आज क्या गिफ्ट लाया? कुछ नहीं, पहले पिछले वाले गिफ्ट का हिसाब किताब तो कर ले। दूर हट। क्या? पिछले गिफ्ट का हिसाब पिछली बार हो गया है, अब जब नया गिफ्ट लाएगा ना तब बात करते हैं। अच्छा सुनो, एक किस? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा हग, हग तो दे दो एक। लगता है कौन आ गया। चलो तुम निकलो अभी। हाँ खन्ना साहब। हाँ मैं कल ट्रांसपोर्ट में आया था, आप थे ही नहीं। डिलीवरी हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। अरे निकलो ना, चलो दरवाजा खोलो। आप ही तुम निकलो यहां से। एक मिनट एक मिनट, मैं कॉल करता हूँ आपको। ए, 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 कौन है तू? ए, भाकर, भाकर। कौन है तू? अंदर से आना, चोरी कर रहा था? नहीं चोर नहीं, चोरी कर रहा था तू? नहीं भैया चोर नहीं हूँ मैं, चोर नहीं। बोल कौन है? ए शिखा, नीतू जल्दी आओ, ये अंदर से आया अभी, चोर है, पुलिस को बुलाओ। नहीं भैया चोर नहीं है, चोर नहीं है, चोर नहीं भैया। ये तो वही लड़का है शिखा का बॉयफ्रेंड, जरूर इसलिए बुलाया होगा इसे। भाभी आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आप मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हैं? अच्छा तो अब मैं झूठ बोल रही हूँ? पकड़ी खुद गई, झूठ मैं बोल रही हूँ? वाह, आपने एक काम कीजिए, आप इसी से पूछिए, ये बताएगा किससे मिलने आया था। बोल, बताया गया पुलिस को बुलाओ, बता बता किससे मिलने आया था। भाभी सही कह रही है, मैं शिखा से मिलने आया था।
बोल रहा है तू? भैया मैं इस लड़के को जानती तक नहीं, ये ना ये पक्का भाभी से मिलने आया होगा। आप जानते नहीं है भैया कि भाभी कितनी इतनी गिर गई है तू? अरे अगले हफ्ते तेरी शादी है और तू ये सब कर रही है? मैं तेरे आगे ना हाथ जोड़ता हूँ, मत कर ये सब। अरे भूल जा इस लड़के को, एक बार तेरे हाथ पीले हो गए ना उसके बाद तेरी शक्ल तक नहीं देखूंगा मैं। ठीक है शिखा, मैं चलता हूँ। भाग जा, भाग जा। अब मैं तो कहती हूँ आप ना इससे इसका फोन भी ले लो, यही है फसाद की जड़। जब मौका मिलता है ना इसे बुला लेती है। हाँ बस करिए भाभी, बस करिए। अब क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली है भाभी? दे दा फोन, फोन दे, सही कह रही नीतू, चले। भैया मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना मुझे, और तुम आज से नजर रखना इस पर। ठीक है। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। बहुत दिनों बाद में आए थे तो कुछ तो स्पेशल लाना ही था। काफी महंगे लग रहे हैं। पूरे 1.5 लाख के हैं। अच्छा अच्छा नीतू, मैं सोच रहा था कि इस बार कुछ स्पेशल करते हैं। जो तुम कहो। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना इस बार मैं, तुम और शिखा एक साथ। ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पिछली बार जो भी हुआ वो उसे चुप कराने के लिए था, और तुम कह रहे हो आज फिर से? नहीं बिल्कुल भी नहीं, नहीं मैं मना कर रही हूँ ना। अच्छा अच्छा एक बार इधर। नहीं तो एक बार देखो तो सही। डायमंड का नेकलेस है, पूरे 7 लाख का। अगली बार आऊंगा तो ये लेके आऊंगा पक्का। एक बार बात तो करो। अगर वो ना माने तो? अरे उसका बाप भी मना नहीं करेगा। तुम एक बार बात तो करो, तुम्हारी बात को ना नहीं कहेगी वो। प्लीज ये सब आप क्या कह रही हैं भाभी? आप कुछ भी बोले जा रही हैं। अरे आपने तो गिरने की सारी हदें पार कर दी। एक तो आपने पहले मेरी जिंदगी नरक बना दी, और आप कितना गिरेंगी भाभी, कितना गिरेंगी? प्यार से बात कर रही हूँ तो सर पे चढ़ रही है। हाँ जयंत, इसे अपने लैंग्वेज में समझाओ, तब समझ में आएगा इसे। रुको नहीं तो। ए, एक ऑफर दे रहे हैं तुम्हें, अगर तुम हमारी बात मान लेती हो तो तुम्हारा वीडियो डिलीट कर देंगे, कसम से। और फिर कभी इस घर के आसपास नहीं आएंगे तुम्हारी शादी होने तक। किसी को कुछ नहीं होगा, ना तुम्हें ना तुम्हारे भैया को। लेकिन अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो जो जिंदगी तुम्हें अभी नरक लग रही है ना, उसे 1000 गुना नरक बना देंगे, समझे ना? तो भला इसी में है कि चुपचाप हमारी बात मान लो। अब आएगा मजा।
धीरज आ गए हैं। तुम एक काम करो, तुम कमरे में जाओ, कमरे से बाहर मत निकलना, बाकी मैं संभाल लूंगी। ठीक है, बात माना करो ना मेरी। अरे अरुण, तुम? नमस्ते भाभी, कैसे हैं? भाभी मैं वो शिखा से का... अरे अंदर आओ ना। जी भाभी, वो शिखा का नंबर काफी टाइम से ट्राई कर रहा था, लग नहीं रहा। कल रात ही बात हुई मेरी, उसके बाद नहीं हुई। उसका ना फोन खराब हो गया है, तो रिपेयरिंग के लिए गया हुआ है। अच्छा, भैया नहीं दिखाई दे रहे? वो बाजार गए हैं, वो शादी की तैयारी भी तो करनी है ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। शिखा कहाँ? भाभी दिखाई नहीं रही। उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो फिर सो रही है, दवाई खा के। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। अरे बैठो तो सही, आओ बैठो बैठो। जी पानी पियोगे? हाँ ठीक है, भैया से बात करो। भाभी तो आज अलग ही बिहेव कर रही थी। यार शिखा से मिले बिना तो जाऊंगा नहीं। कहाँ होगी इसका कमरा? ऐसा वो कहा जिसके साथ तुम अंदर थी, बुलाओ उसे बाहर। तो ये है इसकी तबीयत खराब थी ना, अपने यार के साथ अंगलिया बना रही थी ये। क्या हो रहा है और ये कौन है? अच्छा तुम्हें नहीं पता ये कौन है? यार है तुम्हारी संस्कारी बहन का, मुंह काला कर रही थी इसके साथ। वो तो अच्छा हुआ कि शादी से पहले ना इसकी हकीकत सामने आ गई, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देते तुम सब लोग। अरुण सारी तैयारी हो गई, शादी के कार्ड भी बढ़ गए, अब अगर शादी नहीं हुई ना तो मेरी बदनामी हो जाएगी, प्लीज थोड़ा समझो। तुम्हारी कोई इज्जत है? अगर तुम्हें बदनामी की चिंता होती ना तो अपनी बहन को कंट्रोल में रखते। रहा सवाल बदनामी की ना, तो यहां सिर्फ और सिर्फ मेरी बदनामी होगी, जिसके लिए ना मैं तुम सब लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। कमीने, कौन है तू और मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे की तूने? मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तूने। प्लीज प्लीज चुप। दरवाजा खुला क्यों है?
शिखा, शिखा, शिख, कमरे में नहीं है। धीरज, 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 क्या हुआ? धीरज, शिखा कहीं भी नहीं है और दरवाजा भी खुला हुआ था, पता नहीं कहाँ चली गई, जाकर ढूंढो उसे। देखो, उसे जो करना था उसने कर लिया, भूल जाओ उसे, मेरे लिए आज से वो मर चुकी है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ देखो, मैंने कहा ना तुमसे, उसे भूल जाओ। और हाँ, मुझे आज ट्रांसपोर्ट जाना है, मेरे लिए नाश्ता रेडी कर दो। पर धीरज, नाश्ता रेडी कर दो। जिंदगी बर्बाद करके भाग रहा था है? मुझे छोड़ दो। क्यों बर्बाद की मेरी बहन की जिंदगी है? चलो चलो, हटो हटो, पीछे हटो। लगता है यही पॉइजन पिया है या पिलाया गया है। यादव जी सर, बॉडी को बाहर निकालो। यस सर। यादव जी सर, ट्रांसपोर्ट मालिक से बात हुई? हेल्पर था या नहीं? नहीं था सर। बड़ी अजीब बात है, बिना हेल्पर के गाड़ी चला रहा था। आसपास देखो, कोई सीसीटीवी है क्या? अरे काम करो, फॉरेंसिक को बुलाओ। जी सर। धीरज, 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 तुम्हें क्या हो गया? धीरज उठो, धीरज, धीरज, धीरज उठो, धीरज, धीरज। निशान करो और इनका स्टेटमेंट लो। धीरज, लो गर्मा गर्म कॉफी। अरे इतना शौक में काहे हो? अच्छा हुआ ना मर गया वो, अब हमरे रोमांस के बीच में कोई नहीं आएगा। स्माइल करो, चलो। तुम नहीं समझोगे जयंत, हम सब समझते हैं। स्माइल। अरे लेकिन हमने कुछ नहीं किया, छोड़िए, हमने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया सर हमने। सर हम सच कह रहे हैं, हमने नहीं मारा धीरज को। भले ही तुमने धीरज को नहीं मारा, लेकिन उनकी मौत की वजह तुम दोनों ही हो। मरने से पहले वो सोशल मीडिया पे लाइव था, उसका वीडियो वायरल हो गया है। मेरा नाम धीरज है, मैं फूलपुर का रहने वाला हूँ। मेरी बीवी दीतू नाम है उसका, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। क्योंकि मैं ट्रक चलाता हूँ, इसीलिए मुझे महीनों घर से बाहर रहना पड़ता है। इसी का फायदा उठाकर उसने बहुत लोगों के साथ संबंध बना लिए। यहाँ तक कि मेरी बहन तक को नहीं छोड़ा, उसके भी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। बेचारी शिखा, उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन इस औरत ने, नीतू ने मुझे यकीन दिला दिया कि शिखा एक बच्चनल लड़की है, इसलिए उसकी शादी भी टूट गई। और इसलिए मैंने गुस्से में कल रात अपनी बहन को जान से मार डाला।
और उसके बाद उसकी बॉडी जंगल में गाड़ दी मैंने। सबको लगा कि वो घर से भाग गई, फिर आज मेरी मुलाकात राजू से हुई जिसे मैं शिखा का प्रेमी मानता था। उसने मुझे बताया भैया मैं उस शिखा से कोई लेना देना नहीं, मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं की भैया, मैं तो नीतू भाभी से मिलने जाता था। क्या तेरा नीतू के साथ चक्कर चल रहा था? हाँ से नहीं, बहुत दिनों से था। और गुस्से में मैं अपने घर चला गया, वहां मैंने नीतू को उसके दूसरे प्रेमी के साथ देखा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। इसीलिए मैं पुलिस से विनती कर रहा हूँ कि मेरी मौत का जिम्मेदार मेरी बीवी नीतू और उसके उसका प्रेमी जयंत है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। तुम लोगों की वजह से एक नहीं दो दो जाने गई हैं। शिखा की बॉडी तो हमने जंगल से बरामद कर ली है, अब ये बताओ धीरज जब उस रात तुम्हारे पास आया था तो क्या किया था उसके साथ? बताओ क्या किया था उसके साथ? सब उस रात जयंत को मैंने ही बुलाया था। हकीकत मैं तुम्हें बताती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो तुमने देखा वो सच नहीं था। यहाँ पे क्या कर रही थी? ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, समझा ना? दिमाग घूम गया ना मेरा, यहीं टपका दूंगा सर। तुम दोनों ने मेरी बहन की जिंदगी खराब कर दी, तुम दोनों की वजह से मैंने अपनी बहन की जान ले ली। बहन को मार दिया? नामर्द, अपनी बहन को मारकर बहुत बड़ा मर्द समझता है खुद को? हाँ, अपनी बीवी को तो खुश नहीं कर पाया, अब हमें धमकी दे रहा है। तो मार डाल मुझे, ऐसी लानत भरी जिंदगी जीने से तो अच्छा मैं मर जाऊं। तू डायन है डायन, अपने ही परिवार को तूने उजाड़ दिया है। अब बात बात करो, मुझे बातें मत सुनाओ। एक तो महीनों घर से बाहर रहते हो, न पैसों की सुध न बीवी की सुध है। जो मुझे सही लगा मैंने वो किया, अब क्यों शिकायत कर रहे हो? रही बात शिखा की, तो हमने उसके साथ जो कुछ भी किया वो जानबूझकर नहीं किया, हम उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वो तो उस दिन अचानक अरुण आ गया और वो सब हो गया। देख जो हुआ उसे भूल जाओ, समझे? रही बात हमारी, तो आज के बाद हम इधर नहीं आएंगे। उसके बाद धीरज वहां से चला गया था, उसकी मौत का अफसोस है हमें। तुमने एक परिवार बर्बाद कर दिया और तुम बोल रहे तुम्हें सिर्फ अफसोस है? तुम्हें तो ना उम्र कैद होगी, और मैडम तुम जैसी औरतों को ही ना लोग नागिन बोलते हैं। तुम अपनी नादानी और हवस के चक्कर में अपनी तो जिंदगी बर्बाद करती हो, साथ में पूरे परिवार की। चलो ले चलो इनको, चलो। नीना, मेरी चाय ले आ। जी मालकिन। आपकी चाय? हाँ, कितनी बार कहा है दवाई साथ में लाया कर, मैं पहले दवाई खाती हूँ उसके बाद चाय पीती हूँ। मैं भूल गई, अब लेके आई। लोकेश जी हजारों में है हमारा भाई, रत्ती भर का भी ऐप नहीं है उसमें। हाँ हाँ, लेन देन की बात तो होती रहेगी, पहले आप रिश्ता तो पक्का करवाइए। हम फोटो भेज देंगे उसकी। जी नमस्कार जी, सब आपकी चाय। पाजी कपड़े। रीना, रीना नानी कहाँ चली गई?
बहू जरा कपड़े ले ले धोबी से, रीना कुछ काम कर रही होगी। जी माँ जी। अरे मम्मी, मम्मी हमें कुछ पैसे चाहिए। अरे पैसे चाहिए तो जयंत से मांगना, मेरे पास कहाँ होते हैं पैसे। ऐसे इतना सज सज के कहाँ जा रहा है? अच्छा लग रहा हूं ना? मैं कपड़े देने आता है या दांत दिखाने आता है? मुस्कुरा क्यों रहा है? और तुमको कितनी बार कहा है कि तुम कपड़े नहीं लोगी, रीना ले लेगी। जाओ यहां से। क्या क्या देख रहा है, निकल। भैया हमको कुछ पैसे चाहिए। क्यों चाहिए पैसे? बिजनेस करना है। क्या बिजनेस करना है तुझे? अरे भैया वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है। बहुत अच्छा धंधा है भैया, कई लोग पैसा कमा रहे हैं पता। एक बार हम लगाएंगे ना, उसके बाद फिर आपको भी बताएंगे, आप भी इन्वेस्ट करना। मस्त दोनों भाई पैसा मिलके कमाएंगे। अनु हम तुम्हारे बड़े भाई, तुमसे पहले पैदा हो गए थे हम अच्छे से जानते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। कितने लोग बर्बाद हुए हैं इसमें। और हर करेंसी बिटकॉइन नहीं होती जो एक का 500 बना देगी। ये एक तरीके का जुआ है और तुम इसमें पैसे लगाओ। बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। और हाँ तुम हमें तुम्हारी अच्छी सी दो चार फोटो भेजो, हमें लड़की वालों को भेजनी है तुम्हारी शादी के लिए। ठीक है हम भेज देंगे। और आइए 10,000 रुपये लो, ट्यूबवेल का बिल जमा करा देना। अरे भैया हर बार हम कह रहे हैं ना जमा करा देना। ठीक है अच्छा पहले 500 रुपये दो, खर्चे के लिए चाहिए हमको। नहीं मानोगे। चलो अच्छा जाने से पहले ये शर्ट चेंज कर लेना, बटन गायब है। अरे टूट गई है तो पता ही नहीं चला कब टूट गई। अरे तो बटन टूट गया तो इतना सोच क्या रहा है। सुहानी अब बेटा सुई धागा ले आना जरा, अनूप की शर्ट का बटन लगा दे। जी माँ जी। और सुन लड़की वालों के लिए अच्छी सी फोटो भेजना, वो ऐसा मुंह पिचकी वाली फोटो मत भेजना। अरे मम्मी मुंह पिचकी वाली क्या होता है, सेल्फी बोलते हैं उसको, सेल्फी नाम तो अच्छे से लो। अपनी माँ को ना सिखाओ। हाँ ठीक है कहा। अरे अरे देवर जी। हाँ हाँ जी क्या हुआ? आप कहाँ खो गए? कहीं नहीं। अच्छा बटन लग गया है, आपको कहीं जाना था ना, जाइए। हाँ जाना तो है। बड़ा मजा आ रहा है नेन मटका करने में। हा? नहीं सुबह उस धोबी के साथ और अब इन लड़कों के साथ। हा? अरे भैया छोड़िए, क्या कर रहे हैं, जान ले लेंगे क्या भाभी की? हाँ जान ले लूंगा मैं इसकी, अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। आइए आती थी, आइए आराम से संभाल के। क्या आइए बैठिए यहाँ पे बैठिए।
दिखाइए, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी आपको? नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं। कितनी बार कहा है ना तुझसे, बाहर जाने से पहले पल्लू ले लिया कर, पर नहीं तू तो सुनती नहीं कभी, अब भुगत। कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। हाँ हाँ, बस हम निकल ही रहे हैं, बस जल्दी पहुंच जाएंगे। अनूप, 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 आज इतनी देर कैसे हो गई? अरे पूछो ही मत, आज तो गजब हो गया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे वो जैन साहब है ना, वो जीने से गिर गए और उनके कमर की हड्डी टूट गई। क्या? और डॉक्टर ने कहा है वो जिंदगी भर चल नहीं पाएंगे, और उनके नीचे का हिस्सा है वो तो बिल्कुल बेकार हो गया। पता नहीं अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। जैन साहब कितने अच्छे इंसान है, सबकी कितनी मदद करते हैं, हमारी भी कितनी मदद क्यों लोगे? अपनी मोटरसाइकिल दे दी और पैसे तक नहीं लिए। वो इंसान नहीं, वो देवता है, देखना वो जल्दी ठीक हो जाएगा। बड़ी देर लग गई। हाँ मम्मी, वो बाहर ट्रैफिक था। कितना कमजोर हो गया मेरा बच्चा। देख, तू बिल्कुल भी चिंता मत करना, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रख बच्चा। माँ, हम अब आए जो, हम अब जिंदगी भर अपने पैरों पर नहीं चल पाए, और तू कह रही भगवान पर भरोसा रख। अरे परेशान मत हो, ये डॉक्टर ने कहा है कि अभी भी उम्मीद है, कुछ तेल दिए हैं, रोज मालिश करने को कहा है, अगर भगवान ने चाहा तो आप जरूर ठीक हो जाएंगे। हाँ, वो तेल से याद है, सीढ़ियों पे तेल किसने डाला था? हाँ, किसने डाला था तेल? किसी ने नहीं डाला था बेटा, वहम है तेरा। इस घर में तेरा बुरा कौन चाहेगा? तू ही ऊपर रखता है ना पुरानी बोतल तेल की, उसी से घेरा होगा। अब तू ये सब फालतू बातें मत सोच, हराम कर। अब वो जहाँ जाके दूसरा तकिया ले आ, इसको यहाँ ले आते। रीना, आजा हेल्प कर थोड़ा। जी साहब। अरे वो मम्मी, बाहर एम्बुलेंस खड़ी है, भैया वो पैसे देने एम्बुलेंस वाले को। हाँ देता हूँ, ये चाबी, इसे अलमारी से 10,000 रुपए दे। हाँ, देती हूँ। रीना देख जरा, आप मालिक आ गए? आ गए ना, चलो अंदर। मालिक, आपके लिए सेब लाया हूँ। रीना, किचन में रख दो। देख क्या? मालिक, वो दिन की ड्यूटी चल रही है ना, इसीलिए अस्पताल नहीं आ पाया आपसे मिलने। कोई बात नहीं, तो अभी क्या सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है? जी मालिक। अरे रमेश भैया, नमस्ते। नमस्ते, आप कब आए? बस अभी। अच्छा, कुछ चाय पानी नहीं लिया? रीना चाय लेकर आओ। नहीं नहीं भाभी जी, जरूरत नहीं उसकी। अरे ऐसे कैसे, चाय तो पीनी पड़ेगी आपको। रीना चाय लेकर आ जाओ। जी मालकिन। और सब कैसा चल रहा है काम? बेचारे मालिक की तो जिंदगी खराब हो गई। मैं तो सुहानी दीदी के बारे में सोच रही हूँ, उनकी तो पूरी जवानी खराब हो गई। मुझे तो लगता है कि ऐसा ना हो सुहानी दीदी भाग जाए। अरे नहीं नहीं, सुहानी जी ऐसी नहीं है, कुछ नहीं होगा। चलो मैं चलता हूँ।
अरे हाँ, मुझे 500 रुपए दे दो, मेरे पास है नहीं। अनुप तू? हाँ भैया, वो आपको देखने आए थे, ठीक है ना सब? क्या हुआ? अब कुछ नहीं भाभी, वो भैया को हम देखने आए थे। आप यहाँ सो रही है, अंदर जाके सोइए ना आराम से, हम बैठते हैं यहाँ पे। आपको कुछ चाहिए? तू एक काम कर, तू जाके सो जा। अनुप तू? जी भैया। अभी जाके सो जा, बहुत रात हो गई, अब अगर कुछ चाहिए होगा तो आवाज दे दू। ठीक है भैया, आप आवाज ले गईगा। आपको चाहिए क्या? ये ले प्रशांत। तू ऐसे मंदिर गई थी बिना पल्लू के? मैं अपाहिज क्या हुआ, तू आवारा बन जाएगी। घर में भी पल्लू लूंगी क्या अब? माँ जी आप ही समझाइए ना इन्हें। अरे उसने लिया था पल्लू, अभी निकाला है। तू भी ना जा, तू जाके रसोई संभाल। रीना हमारी चाय ला दो। जी लाई। अरे तू रुक, तू अपना एक काम तो खत्म कर, चाय सुहानी दे आएगी। सुहानी बेटा ये मुझे दे दे, तू अनुप को चाय दे। जी। क्या हाल बना रखा है अपने कमरे का। मुझे तो लगता है कि ऐसा ना हो सुहानी दीदी भाग जाए। अरे चुप क्यों है आप, कुछ बोलेंगे इनको? हमें पागल बना रही है तू? तुम दोनों रंगरलिया मना रहे थे और हमें देखकर नाटक कर रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, नहीं ये सच नहीं है। वो देवर जी बच्चे नहीं है। कब से चल रहा है तुम दोनों का? बोल क्या हुआ, इतनी आवाजें क्यों आ रही थी? अब बताओ ना कुछ, तू बोल ना। माँ ये दोनों छुप छुप कर रंगरलिया मना रहे थे। नहीं 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 माँ जी ये सच नहीं, वो देवर जी मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। चुप कर कलमोए। अरे जैन का एक्सीडेंट हुआ अभी एक महीना नहीं हुआ, तूने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। हाँ ऐसे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अरे चीखू नहीं तो और क्या, आगे उतारू इसके? हमारे पास एक रास्ता है, क्यों ना इन दोनों की शादी करवा देते। ये तू क्या बोल रहा है बेटा? नहीं 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 ये बिल्कुल सही नहीं है। नाटक बंद कर। हम सही बोल रहे हैं, ये तो तय है कि अब हम जिंदगी भर ऐसे ही रहने वाले हैं। अपाहिज और ये सुहानी, इस पर हमें रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। कल को किसी और के साथ भाग गई तो हमारे पूरे घर की बदनामी हो, इससे अच्छा है कि
इन दोनों की शादी करवा दी जाए। ये तो तू सही रहा बेटा। माँ जी एक बार बार बंद कर, अरे शुक्र मना के ये सब ये खुद बोल रहा है। मैं जानती हूँ एक औरत की जरूरतें होती हैं और तेरी भी होंगी, जो अब जैन पूरी नहीं कर सकता, इसलिए सही यही होगा कि तू अनूप के साथ शादी कर ले। अनूप तुझे तो इस बात से कोई परेशानी नहीं है ना? अरे इसे क्या परेशानी होगी, ये तो पता नहीं इसके साथ कब से गुटगू कर रहा है। माँ हम तो कहते हैं कि कली मंदिर में इन दोनों के फेरे डलवा देते, वही सही रहेगा। वहीं एक गुलाबी रंग की फाइल होगी, देखो ना सारा हिसाब है उसमें फसल का। हाँ देख रही हूँ सर। हम चाय ये देख। हाँ ये है क्या? हाँ वाह यही है। नीना वो टेबल दे। भैया हाँ हमको बात करनी। हाँ बोल। हमें पैसे चाहिए। कितने? 2 लाख। 2 लाख? फिर से क्रिप्टो का भूत सवार हो गया क्या तुझे? यार भैया देखो हमने आपसे पैसे मांगे हैं, इसका मतलब आप हमको पैसे दे दो। अब हम उन पैसों का क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आपको क्या लेना देना है? देख रहे हो भाई से? क्यों बहस कर रहे हैं नो? अरे हमने सोचा था हमारी शादी होगी, पैसे मिलेंगे, वो पैसे हम बिजनेस में लगाएंगे। आप लोगों ने मिलकर हमारी शादी भाभी से करवा दी, अब कुछ पैसे तो मिले नहीं, तो आप लोग क्या पैसे? हमें बिजनेस करना है यार। वाह एक तो हमने तुम्हारी शादी करवाई, हाँ ऊपर से ये बातें भी हमें ही सुना रहे हो। एक रुपया नहीं मिलेगा तुम्हें और इन फालतू कामों के लिए तो बिल्कुल नहीं। हमको नहीं पता हमें पैसे चाहिए मतलब चाहिए। क्यों घर में कलेश कर रहा है? चैन ठीक ही तो कह रहा है ना। और रही शादी की बात, तो तेरी शादी हमने सुहानी से करवाई तो स्वानी के पापा से जाके मांगते थे। अब से ससुर है वो तेरे, अपने दामाद की मदद नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? हाँ अरे पर मेरे पापा कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? एक बार बात तो करके देख सकती हो ना। कुछ महसूस हुआ? अभी कुछ महसूस हुआ? पैरों में तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, पर यहाँ यहाँ दिल में बहुत कुछ महसूस हो रहा है। तुम खुद कर लो ना बात, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अच्छा मैं वो क्या है, लड़ क्यों रहे हो तुम दोनों? देखो ना माँ बोल रही है इसके बाप के पास पैसे ही नहीं है देने को। अरे तो कहाँ से लाएंगे वो पैसे? नहीं उनके पास इतने पैसे, और अगर होंगे भी तो तुम्हें क्यों देंगे? उनको जो देना था मेरी शादी के वक्त दे चुके, अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी ना है? नहीं मिलेगी ना। अगर पैसे नहीं मिलेंगे ना तो तू भी इस घर में नहीं रहेगी। चल बाहर। क्या कर रही? देखो ना माँ जब तक ये इस घर में पैसे लेके नहीं आएगी तब तक इस घर में नहीं रहेगी। चल बाहर। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। और क्यों जाऊं, ये मेरा भी घर है। और अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए ना तो अपनी माँ जी से पैसे मांगो, इस जायदाद में तुम्हारा भी हिस्सा है ना, ये सबका मालिक यही है। बंटवारा करवाना चाहती तो इस घर का है? अगर बंटवारा करवाने की जरूरत पड़े तो करवाओ, लेकिन मेरी जान छोड़ो और मेरे पापा की भी।
अगर दोबारा मेरे ऊपर हाथ उठाया या किसी ने भी मुझसे उल्टी सीधी बात की है ना, तो तुम सबके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊंगी। मालकिन खाने में क्या बनाऊं? बना ले जो समझ में आए। रेसिपी बुक किसे लगी है? अब तू क्या ऐसे भूत बनकर बैठा रहेगा? मैं तो कहती हूँ कर दे बंटवारा, दे दे अनूप को उसका ऐसा, वो जो करना चाहता है जाकर करे। नहीं माँ, हमारे जीते जी इस घर में बंटवारा नहीं हो, चाहे कुछ भी हो जाए। अनूप, अनूप, अनूप हमारी बात सुनो। हाथ छोड़िए भैया, हाथ छोड़िए। अनूप अलमारी से 5 लाख रुपए निकाल। रुपए? हाँ, अनूप को पैसे ही चाहिए ना, तो दे देते हैं। पर इस घर में बंटवारा नहीं होगा, कभी नहीं। रोमांस चढ़ा रहता है बस। अरे तो क्या हुआ, क्या हो गया? नाटक में मारने को कहा था ना, सच में मार दिया, अभी तक दर्द हो रहा है। अच्छा बाबा, सॉरी बस। पर अगर हम सच में नहीं मारते ना, तो भैया को शक हो जाता, फिर क्या कर? तो कौन से तुम्हारे भैया ने पैसे दे दिए तुम्हें? तुम्हारे सारे प्लान्स फेल होते हैं। अच्छा, हमारे सारे प्लान्स फेल होते हैं? कौन से प्लान फेल हुए वैसे हमारे? तुमने तुम्हारे भैया को सीढ़ियों से गिराया तो क्यों? अच्छा वो, अरे हमको लगा था भैया सीढ़ी से गिर जाएंगे, कुछ दिन अस्पताल में रहेंगे, यहाँ का सारा कामकाज हम ही को संभालना पड़ेगा, फिर केस की चाबी भी मिल जाती, उसके बाद हम पैसे निकाल के अपने बिजनेस में लगाते। अच्छा, फिर क्या हुआ? तुम्हारे भैया तुमसे 4 कदम आगे निकले, ना तुम्हें किसी चीज की जिम्मेदारी दी और ना ही सेफ की चाबी। क्या हाथ लगा? क्या हाथ लगा बताऊं? शादी हो गई हमारी, पिछले 3 सालों से एक ही घर में रह के ना चोरों की तरह मिलते थे। इज्जत से बात करो, हस्बैंड है हम तुम्हारे। वो तो ठीक है, पर बिना पैसे के क्या करोगे? अभी सारी जिंदगी जैन से मांग मांग कर तो नहीं काम चला सकते ना। अच्छा ही होता ना कि उस दिन सीढ़ियों से गिर के मर गया होता। पर वाह वाह, तुम दोनों इतने बड़े कमीने निकलोगे, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये लेकर आया था तेरे लिए, ये देख, क्योंकि तेरा बड़ा भाई है ना, छोटे भाई के आगे झुक गया। लेकिन तू, अरे तू तो भाई नहीं दुश्मन है, दुश्मन। मम्मी मम्मी, वो अपनी गंदी जबान से मम्मी मत बोलना मुझे। और तू, अरे तू तो नागिन निकली, मैं समझती थी बिचारी है, सीधी सादी है। जब तुझ पर ये जैन हाथ उठाता था ना, मारता पीटता था, तो मुझे बहुत दुख होता था, बहुत दुख होता था। अब लगता है सही करता था ये। माँ, वो तो दूसरे घर से आई है, उससे क्या समझता हूँ उसे,
पर ये अनुप नादान समझता था इसको, पर ये तो बहुत चालाक निकला। इतना अंधा हो गया लालच में कि अपने भाई की जिंदगी खराब कर दी इसने, अपाहिज बना दिया हमें। भैया 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 गलती है मम्मी, गलती हो गई भैया, गलती हो गई भैया, माफ कर मम्मी, गलती हो गई भैया, भैया सच में गलती हो गई भैया तुम्हारे साथ। मम्मी भैया सच में गलती हो गई, माफ कर दो भैया, दोबारा नहीं होगी सच में। अगर तुम हमारे भाई ना होते ना तो गोली मार दी होती तुम दोनों को अब तक। शुक्र मनाओ कि जिंदा छोड़ रहे हैं, और हाँ इस जायदाद से एक टूटी गोटी नहीं दूंगा तुम दोनों, जो करना है कर लेना जा। भैया मम्मी 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 मुझे तो लगा कि आज तो वहीं रुकेगी। अरे पूछो ही मत, बहुत ड्रामा हुआ मालिक के घर पे। कैसा ड्रामा? सुहानी दीदी और छोटे मालिक है ना, दोनों ने मिलके जैन जी को धोखा दिया। अरे दोनों को कई सालों से चक्कर चल रहा था, और पता है जो छोटे मालिक है उन्होंने ही तेल डाला था सीढ़ियों पे जैन जी को गिराने के लिए। आज सबकी पोल खुल गई, माँ जी ने तो धक्के मार के निकाल दिया उन दोनों को घर से। अनूप जी को देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि वो ये करेंगे। खैर मुझे बहुत भूख लगी है, तू जल्दी से कुछ खाना बना। खाना तो लेके आई हूँ, वहां तो किसी ने खाया नहीं। तुम जब तक डब्बा खोलो मैं बर्तन लेके आती हूँ। अरे हाँ भाई आ रहे आ रहे, जरा सबर करो भाई, जरा भी सबर नहीं है। बड़ी देर लगा दी मालगिन। अरे वो रात को सोने में देर हो गई थी इसलिए सुबह जल्दी आंख नहीं खुली। तू अब जल्दी से बाकी का काम कर ले, मैं जयंत को दवाई देती हूँ। जी मालगिन। जयंत 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 बेटा उठ, क्या हो गया इसे उठाना। जयंत जयंत उठना बेटा, क्या हुआ जयंत उठना। रॉबरी का केस लग रहा है, फॉरेंसिक रिपोर्ट पर। यस भैया। भैया 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 मम्मी मम्मी क्या हो गया? क्यों रो जाओ तुम दोनों मेरी नजरों से, अरे बर्बाद करके रख दिया तुमने। तो तुम अनूप हो? जी। उन्होंने हमें बताया जैन के साथ तुम दोनों ने क्या किया है, शर्म नहीं आई? अपने भाई को ही अपाहिज बना दिया? नहीं नहीं साहब, हमें नहीं पता था कि भैया अपाहिज हो जाएंगे, ये सब तो हमने उनसे पैसे ऐंठने के लिए किया था। और कल जब जयंत ने तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया तो गुस्से में आकर तुमने अपने भाई का मर्डर कर दिया। नहीं नहीं है, हमने हमने कुछ नहीं किया है, हम मानते कि भैया से हम नाराज थे, पर हमारे बड़े भाई है, हम काहे मारेंगे उनको। हम दोनों तो कल पूरी रात इसके पापा के घर में थे, आपको अगर चाहिए तो आप पता करवा लीजिए। अजीब बात है, घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और अभी तक तुम्हारे पापा नहीं आए। सर वो तो हरिद्वार गए हुए हैं गंगा स्नान करने
कल तक लौटेंगे। जब तक इंक्वायरी चलेगी तब तक तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। मेहता जी, ये अनूप और सुहानी के कल रात का एलिबाई चेक करो और इस केस से जुड़े जितने भी लोग हैं उन सबके कुंडली निकालो, सबके डिटेल्स को निकालो। हाँ, घर में जितने भी माल और जेवर चोरी हुए उन सबकी लिस्ट भी बनाओ। जी सर। अच्छा मार्केट, मैं चलता हूँ। रीना, मैं शाम को ड्यूटी से आके तुम्हें घर ले जाऊंगा, ठीक है? अरेस्ट कर लो इन दोनों को। हमें क्यों पकड़ रहे हो? हमने क्या किया? अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं रीना। हमें तुम्हारे घर से ये बैग मिला है जिसमें चोरी का सारा माल है। दरअसल यहाँ बगल में एक एटीएम है और जब हमने एटीएम के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो हमने देखा कि रात 2 बजे रमेश वहां पर गया था और तकरीबन आधे घंटे बाद वो वहां से वापस गया और इस बैग के साथ। और उसके बाद हमने तुम्हारे घर पर चेकिंग शुरू की और हमें ये मिला। अब भलाई इसी में एक अपना जुर्म कबूल कर लो। ये क्या बोल रहे हैं? तूने किया है ये सब? बोलता क्यों नहीं? हाँ, मैंने किया ये सब। साहब, रीना बेकसूर है। जो किया मैंने अकेले नहीं किया। बहुत इज्जत करता था मैं जैन साहब की। उन्होंने बहुत मदद की थी हमारी, लेकिन जब रीना ने मुझे बताया कि वो कितना कमीना था। जयंत साहब कितने अच्छे इंसान हैं, सबकी कितनी मदद करते हैं, हमारी भी कितनी मदद की। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल दे दी और पैसे तक नहीं लिए। वो इंसान नहीं, वो देवता है। देखना वो जल्दी ठीक हो जाए। बस बस, इतना भी कोई अच्छा इंसान नहीं है, एक नंबर का कमीना है। ये क्या बोल रही है? ऐसा क्या हो गया? नहीं, वो छोड़ो ना, जाने दो। तुझे मेरे सर की रसम पता, जैन ने तेरे साथ क्या किया? तुम्हें क्या लगता है जैन ने तुम्हें वो मोटरसाइकिल फ्री में दे दी, उसके बदले में वो मुझसे मनमानी करता है? तो तूने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? कल से तू वहां काम करने नहीं जाएगी, समझी? इसीलिए नहीं बता रही थी। एक हफ्ते से ज्यादा कोई नौकरी नहीं करते, 2-4 पैसे कमा लेती हूँ, वो भी बंद कर दो तो खाएंगे क्या? पहले कहीं ढंग की नौकरी करो, उसके बाद बोलो। नहीं जाऊंगी मैं। उस टाइम तो मैं चुप रहा, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। फिर जब रीना ने मुझे परसों बताया कि जयंत ने अनूप और सुहानी को घर से निकाल दिया है, तो मुझे लगा कि यही सही मौका है जयंत से बदला लेने का और अमीर बनने का। घर में सिर्फ बड़ी मालकिन और जयंत साहब ही बचे थे, इसलिए चोरी आसानी से हो सकती थी। उस दिन जब मैं जयंत को देखने यहां आया तो मैंने सेफ में बहुत माल और जेवर देखे और ये भी देखा कि अलमारी की चाबी जयंत अपने पास ही रखता है, इसलिए मैंने चोरी करने का प्लान बनाया।
और मैं चुपके से यहां से चला गया। कमीने, तूने मेरे बेटे को मार डाला। क्या किया तूने ये? जैन कैसे भी इंसान थे, पर हमने उनका नमक खाया था। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ था जब तूने मुझे बताया कि जयंत ने तेरे साथ मनमानी की है। बहुत बुरा लग रहा था अंदर से, इसलिए मैंने ये सब किया। बस कर, अपने गुनाह को खुददारी का नाम देना बंद कर। अगर तू वाकई में खुददार होता तो अपनी बीवी के पैसे पर नहीं पड़ रहा होता। तुझ जैसे नकारा और कामचोर लोग चंद पैसों के लिए उल्टे सीधे शॉर्टकट लेते हैं और फिर पकड़े जाते हैं और उसके बाद पूरी जिंदगी जेल में बिताते हैं। अब तू भी तैयार हो जा अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताने के लिए। ले चलो इसे, और हाँ, अनूप और सुहानी को भी। क्यों, हमने क्या किया? धोखाधड़ी और जयन के साथ साजिश करने के आरोप में। ले चलो। Ha ha ha.